औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत जगात खाना झूला पुल के पास चिकनी नदी में जहरीले पानी के कारण लाखों मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जब क्षेत्र में बारिश हो रही थी तो बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया। नालागढ़ के डाणा में कई उद्योगों द्वारा बारिश की आड़ में केमिकल युक्त जहरीला पानी नदी में खुलेआम छोड़ दिया गया। जहरीला पानी नदी में आने के कारण चिकनी नदी में जितनी भी मछलियां थी वे सभी जहरीले पानी के कारण मर गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी मछलियों के मरने की घटना हो चुकी है, लेकिन बार बार विभाग को शिकायत देने के बाद भी नियमों को ताक में रखकर सरेआम नदी में जहरीला पानी छोड़ने वाले उद्योगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। हालांकि जब कोई घटना होती है तो संबंधित विभाग मौके का जायजा लेकर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती तो करते हैं, जिस कारण नदियों में दूषित पानी छोड़ने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं। अब देखना ये होगा कि विभाग अब भी इन उद्योगों पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, या फिर इसी तरह आए दिनों में मछलियों के मरने की घटनाएं जारी रहती हैं। यहाँ ग्राम पंचायत टांग नीली का पूर्व प्रधान रहा हूँ और यहाँ हमारी ये चिकनी खड्ड है, जो इसमें आज मैंने देखा, यहाँ जब मैं यहाँ गाड़ी लेकर नीचे से निकल रहा था तो मेरे को एक दुर्गंध सी आई और मैंने उतर के देखा तो यहाँ बेतहाशा मछलियाँ मरी पड़ी थी और मैं देख रहा था कि मैंने काउंट करने लगा तो लाखों की तादाद में थी ये, लाखों में भी, मतलब ज़्यादातर जो बड़ी मछलियाँ थी उनको कुत्ते या पक्षी उठा ले गए। अब जीव जो मतलब कि ब्रीड होती मछली की वो तो अब यहाँ उनकी तो काउंटलेस है, वो तो गिनती उनकी की नहीं जा सकती, इतनी मछलियाँ मरी पड़ी है। तो ये किसी उद्योग ने पानी छोड़ा होगा रात को, रात बारिश थोड़ा पानी बारिश का आया था तो बारिश की पानी की आड़ में उद्योग वाले छोड़ देते अक्सर, तो ये मछलियाँ पहले भी मरी है यहाँ पर, आज की अब की बार तो हद ही हो गई है, बहुत ज़्यादा मछलियाँ मरी है। तो इससे हमारा जो ये चिकनी नदी पे अगर कोई पोल्यूटेड पानी छूटता है तो इसको हमारे बहुत नुकसान होता है कि हमारे ये वाटर रिसोर्सेज को भी इफ़ेक्ट करता है और हमारे यहाँ जो नदी के साथ साथ में लोगों के बोरवेल है, कुएँ हैं, कई लोग इस पानी को उठाकर धान या गेहूं की फसल में भी लगाते हैं, तो ऐसे में उनको भी बीमारियाँ होने का खतरा रहता है, तो मतलब कि चर्म रोग या और अन्य भीषण बीमारियां जो उनकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये इतनी मछलियां मरी है तो जबकि सरकार की हदायत है कि पानी को ट्रीट करके छोड़ना होता है, हम तो इस पानी को पहले पीते थे लेकिन अब उद्योगों ने इसको इतना ख़राब कर दिया है कि इसको अब इसमें इतना छोड़ा गया रात, इसमें कुछ जहरीला तत्व पदार्थ, तो इससे बहुत ज़्यादा मछलियाँ मरी है पर तादाद अब की बार बहुत ज़्यादा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा कि लोगों को स्वास्थ्य और को देखते हुए और नदी की उपयोगिता को देखते हुए इस पर मुख्यमंत्री साहब तुरंत कार्रवाई करवाएं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।